इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहं नित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। किसी भी जगह पर जाने से पहले ये देख लेना ये भोजन बनाने वाले लोग कौन हैं, भोजन किसके हाथ का बना हुआ है, भोजन कौन सी टेबल पर रखा हुआ है, कौन से बर्तनों में रखा हुआ है, कितना डेकोरेटेड जगह है, ये देखने की जरूरत नहीं है। हम उसी में लट्टू हो जाते हैं। भाई बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन है, सब कुछ है, बढ़िया डेकोरेटेड है, हमें क्या करना है, सब कुछ इतनी सफाई से बना हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हो? ये आचार विचार की परंपरा राजा तक भी निभाया करते थे। आप सोचो, आप तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लगते हो, और उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ईसा की 500 वर्ष पहले, जब ये राजा भगवान महावीर स्वामी के समय की ये बात कर रहा हूं, उस समय पर इन राजाओं में इतना विचार। उस भील के हाथ का, उनके बने हुए भोजन का उन्होंने मना कर दिया स्पष्ट रूप से, तो भील को कहना पड़ा, नहीं मेरी बेटी है और वो बेटी बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक कुलाचार वाली है, वो कभी किसी के साथ ऐसा वैसा भोजन नहीं करती है, आप उसके हाथ का भोजन कीजिए। तो उनने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी के पिता के साथ भोजन करना स्वीकार नहीं किया। आप ये देखो कितनी बड़ी बात, समझ रहे हो ना? इससे क्या सीखना है? अच्छा आचरण करना भी अपने आप में बहुत कठिन काम है, निकम्मा होना तो उससे बहुत कठिन काम है ही, लेकिन अच्छे कुल में, अच्छी जाति में उत्पन्न हुए हैं तो अच्छे ही लोगों के द्वारा बना हुआ भोजन ग्रहण करना, ये एक आपके अंदर का भाव होना चाहिए। और ये भाव अगर छूटता चला जाएगा तो आपका कुल धर्म, आपका सदाचार, आपका वर्णाचार सब छूट जाएगा। और ये सबसे ज्यादा हो रहा है। आप कब किस पार्टी में जाकर के पूछ पाते हो क्या किसने बनाया? आपको तो अपने व्यवहार निभाने से मतलब, जबकि आपको इतनी खाने की जरूरत भी नहीं है, आपका पेट भरा हुआ होगा तो भी आप अपना धर्म बिगाड़ोगे, लेकिन खा करके दिखा करके आओगे, नहीं मैं आया था आपकी पार्टी में, मैंने भोजन कर लिया है। यानी इतनी कौन सी मजबूरियां हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से हमें अपना रिलेशन बनाए रखने के लिए अपना रिलीजन बिगाड़ना पड़ता है? ये एक सोचने की बात। रिलेशन महत्वपूर्ण है कि हमारा अपना भीतर का रिलीजन, जो हमारा अपना नेचर है, वो महत्वपूर्ण है? अब नहीं बोल रहे कोई भी, ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज आप मेरे को डांट क्यों रहे हो? डांट नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, जब भी हम भोजन करते हैं ये भोजन किसके हाथ का बना हुआ है, ये सीख लो। अब होटल में जाओगे, एक तरफ वेज होता है, एक तरफ नॉन वेज होता है, हम तो वेज कर लिए, नॉन वेज नहीं किया, बनाने वाला कौन था? उस नॉन वेज जो एक तरह का कसाई आदमी है, उसके हाथ से बना हुआ अगर आपने वेज भोजन कर लिया तो क्या वो वेज कहलाएगा? क्या वो वाजिब कहलाएगा? क्या विचार करो,
उन्हीं बर्तनों में वो बना है, उसी की लार उसमें भी लग रही है, और कई बार तो चम्मच उसकी उसमें भी सब चली जाती है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों का। बस इतना है कि उसने वहां कुछ बनाया था, यहां कुछ बना रहा है, दो तरह की चीजें वो पका रहा है, बाकी आदमी एक है, चम्मच एक है, बर्तन एक है, स्थान एक है, सब कुछ एक है। मैं आपसे सिर्फ प्रश्न रख रहा हूं, आप उस परिस्थिति में क्या करोगे, आपके भीतर का वजूद क्या कहेगा आपसे, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। और अगर आप हमें नहीं बता पा रहे हो तो अपने मन में कुछ विचार कर लेना कि ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूंगा। उधर वो एक राजा है, बीमार पड़ा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप कभी ट्रेन में हो और ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और आपके आसपास गंदे लोग भी बैठे हैं, आपको भूख लगी है, आपको भोजन करना है, आप क्या उन्हीं के साथ बैठ करके भोजन करना चाहोगे? भले ही आपका अपना भोजन होगा, अगर बगल में बैठ करके कोई गंदा भोजन कर रहा है तो क्या आप वहां पर बैठ करके अपना अच्छा साकार भोजन कर लोगे? क्या वो स्थान उचित है? ये भी एक सोचने की चीज है। जैन दर्शन में ये भी स्थान की मर्यादा, इसको क्षेत्र शुद्धि कहा गया है। कोई भी श्रावक हो वो भी इतना विचार पहले रखा करता था कि जहां पर क्षेत्र शुद्धि होगी वहीं पर हम भोजन करेंगे, इसलिए वो हर कहीं पर अपना भोजन करने नहीं बैठ जाता था। ये विचार अगर बने रहेंगे तो कुछ ये कुल परंपरागत विचार आचार बने रहेंगे, और अगर ये सब छूट जाएंगे, क्या रखा है छुआछूत में, क्या है ये सब डिफ्रेंशिएट करने में, ये सब पार्शियलिटी करने में क्या रखा है, ऐसा सोच करके आजकल के बच्चे सबके साथ सब कुछ करने लग जाते। इधर देखो क्षत्रिय राजा, और वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने बेटी का भोजन कर लिया और बेटी ने अच्छे तरह से उनको रखा, अच्छे तरह से उनको भोजन कराया, उनके लिए औषधि का उपचार कराया, और धीरे धीरे वो राजा स्वस्थ हो गए। इससे ये समझना है, ये सीखना है कि हमें अपने अंदर अपने आचरण को बनाए रखने के लिए खुद से संकल्पित होना पड़ता है, और अगर हम कहीं भूल रहे हों तो उसी भूल को याद दिलाने के लिए ये उपदेश होते हैं। ये साधु आपके नगरों में आते हैं और इस तरह से ये चातुर्मास आदि होने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी अगर आचार विचारों की परंपरा से दूर हट रहे हैं तो पुनः अपनी लाइन पर आ जाए। आपके अंदर पुनः लाइन पर आना, उपस्थापित होना, ये होने का भाव आएगा तो इस चातुर्मास की सफलता होगी। हटने का भाव करो, कुछ गलत लाइन पर चले गए तो अब पुनः हटने का भाव करो, नहीं वहां से हटना है। हम रात्रि में भोजन करने लगे, गलत करने लगे, अब हमें छोड़ना है, ये विचार आना चाहिए। यूं नहीं कि केवल बस ऐसे ही बस चलता रहता है, हाँ सब होता है। अब हम मुनि महाराज भी अब वहां चौके में भी कुछ पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सबके मुंह पे मास्क लगवा देते हैं, और फिर पूछेंगे तो फिर आप मास्क हटाओगे तो फिर दिक्कत होगी हमको, इसलिए सबके मुंह बंद करवा देते हैं वहां पे। तो जब सबके मुंह बंद करा दिए तो फिर अब हमें ही कैसे फिर मुंह खुलवाएं, सुन रहे हो? तो मुंह खोलने का मौका यही है हमारे पास में। यहां पे पूछ रहा हूं, जिन लोगों के घरों में रात्रि भोजन होते हैं, कम से कम इतना तो मन बना लेना, इतना तो सोच लेना घर के लोगों कि इन आने वाले वर्षा योग के इन दिनों में 5 महीने तो दीपावली तक तो हम रात में कोई भी तरह का भोजन नहीं बनाएंगे, इस तरह का विचार कर लेना। जब सब लोग विचार करेंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सासू भी सुनने बैठी है, ससुर भी बैठे हैं, ससुरे भी बैठे हैं, सासुएं भी बैठी हैं, बहुएं भी बैठी हैं, और पति भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, और सबका मन एक साथ बन जाएगा, और एक सबने एक साथ प्रवचन सुन लिया होगा तो कोई किसी पे आपत्ति नहीं दर्ज करेगा, थोड़ा हमें कोस लेगा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? एक अकेला कोई सुन के जाएगा और कहेगा तो वो उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए सब अच्छे से मन बना लेना। अकेले अकेले मुझे पहुंचने का मौका नहीं मिलता है, कौन रात में खाता है नहीं खाता है, हमारे सामने जो भी आए कम से कम दीपावली तक तो इतना भाव रखें कि हम रात में भोजन नहीं खाएंगे, रात में भोजन नहीं बनाएंगे। आखिर क्या बचेगा अगर ये भी ना करोगे तो?
इतना मन हो पाएगा? कितने लोगों के घरों में रात्रि में भोजन नहीं बनता, नहीं खाया जाता? थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा सा आइडिया तो ले लो। धर्म 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 नगरी कहलाती है। हाथ तो अच्छे उठ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा ठीक ठीक है, संतुष्टि लायक है। पूरे पूरे टोटल 100% तो नहीं है। जो नहीं है वो भी अपने मन में कुछ विचार लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। रात्रि के समय में भोजन करना वैसे ही अपने आप में बुरी चीज है, लेकिन वर्षा योग में चातुर्मास के टाइम पे भोजन करना तो और बुरा काम। अपने कर्मों का क्षय करने के लिए पहले हमें अपने पाप कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। निकम्मा होकर के नहीं बैठ जाना घर में, कल से कहो महाराज हम तो निकम्मे होकर बैठ गए, सब यहां पर खाली पड़ा रहे। सुन रहे हो? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले बुरे कर्मों का क्षय करने के लिए बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, तब जाकर के आपकी वह स्थिति बनेगी जो निष्कर्म की स्थिति आती है। इसलिए यह निष्कर्म भाव अपने आप में बहुत बड़ा भाव है, लेकिन अगर आप शुभ भावों को भी अपना लेते हैं तो यही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गृहस्थ श्रावक शुभ ही कर पाता है, शुद्ध नहीं कर पाता है। शुद्ध उपयोग में वो नहीं पहुंच पाता है, वो बहुत कठिन होता है उसके लिए। इसलिए ये जो पहले बुराई वाली चीजें हैं इनसे बचो। हर घर में आज लहसुन प्याज बनने लगा है। मैं किसी से भी पूछ लेता हूं तो वो हां ही कर देता है। कौन सा समय आ गया ये? हम जिस समय में घरों में रहा करते थे, जीते थे, जमाना था, कभी घर में लहसुन प्याज आता नहीं था। और अगर कभी किसी मामा नाना की संगति के कारण से कभी कुछ आ जाए तो घर में तहलका मच जाता था। प्याज खाता है, लहसुन खाता है, ऐसा बुरा बुरा सुनाते थे कि पूछो ना। और यहां एक फैशन है, हर किसी से पूछो सबके घर में प्याज चलता है, लहसुन चलती है। इतना कॉमन हो गया जनों का यह आचरण, प्याज लहसुन खाना इतना जरूरी हो गया, उसके बिना कोई टेस्ट नहीं आता। सारे मसाले फीके हैं, किसी चीज में कोई टेस्ट नहीं है बिना प्याज लहसुन के। सबके लिए मैं किसी से भी, मैंने दो चार लोगों का टेस्ट लिया, भाई आपके घर में प्याज लहसुन? तो बोले हां खाते हैं। लड़कियां भी खाती हैं, लड़के भी खाते हैं, सबके लिए बिल्कुल कॉमन हो गया। जबकि ये भोजन कितना मादक होता है, कितना तामसिक भोजन होता है कि इस भोजन को करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप में रह ही नहीं सकता है। ये उन्मत्त बना देने वाले पदार्थ कहलाते हैं, मादक भोजन कहलाते हैं। जैसे शराब पीने से मादकता आती है, वैसे ये लहसुन प्याज खाने से मादकता आती है। इतनी हीट होती है इनके भोजनों के अंदर, इन लहसुन प्याज में इतनी गर्मी होती है, और उसके बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। आप विचार करो, ये पद्धतियां अगर आप कम नहीं करोगे, अपने घरों में अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगाओगे, तो आगे ये सब चीजें ही रोकने में पूरा चतुर्मास का समय निकल जाएगा। हम आपको कुछ नया नहीं सिखा पाएंगे, उससे ऊपर नहीं उठा पाएंगे। पता पड़ेगा पूरे चतुर्मास में बस लहसुन प्याज ही छोड़ पाए आप, ज्यादा से ज्यादा आलू छोड़ पाए, रात्रि भोजन छोड़ पाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी शुरुआत ही वहीं से हो रही है। अगर ये सब छोड़े बैठे होते तो कुछ ऊपर की चीजें बोलता, आगे की चीजें बोलता। ये सबके चरित्र अगर बन गए हैं तो इन चरित्रों को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करो। स्थापना तो हो रही है, हमारी तो हो गई, तुम्हारी भी 9 तारीख को हो जाएगी, लेकिन उस स्थापना के साथ साथ कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम इन आगामी दिनों में अपने आचरण में भी परिवर्तन लाएंगे। हम जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उन कुलों में ये चीजें ऐसी नहीं है कि बिल्कुल खुली छूट के साथ में खाई जाती हैं। अरे जब कभी कभी कोई औषधि के रूप में लेना पड़ जाए एक अलग बात होती है, लेकिन सामान्य से इसको भोजन बना लेना और उसके बिना ही सब्जी नहीं बनना, ये अच्छी बात नहीं। बुरा तो नहीं लग रहा? ये तो नहीं कह रहा हो कि महाराज बहुत जल्दी डांटने लग गए,
अभी तो 3-4 दिन ही हुए महाराज, आप अभी से काटने लग गए। सुन रहे हो कि नहीं, कुछ परिवर्तन आएगा? मैं यूं नहीं कह रहा है बिल्कुल अभी से तुम छोड़ ही दोगे, लेकिन कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं? तुम मुंडी तो हिलाओ, हाँ तो बोलो, खाते थे कि नहीं? छोड़ोगे, कम करोगे, बंद करने की कोशिश करोगे? ये कोशिश तो करो सकते हो कि भाई देखो, कम से कम हमें इन पवित्र दिनों में जब हमें मुनि महाराज का सानिध्य मिला है, हम हर तरह की पवित्रता अपना रहे हैं, तो अपने आचार विचार की पवित्रता भी अपनाएं। हम इतने असहाय तो नहीं होगा जैसे वो उपसृणिक राजा की तरह कहीं जंगल में पड़े हों। हमारे पास घरों में सब कुछ है खाने पीने को, और हम अपनी मनचाही हर टेस्टी चीज बना सकते हैं। तो हम उपसृणिक राजा की ओर देखें कि जो राजा जंगल में कहीं असहाय स्थिति में पड़ा है, और उस समय पर भी वो अपने आचार विचार की बात कर रहा है, और उसने जिसने उसको बचाया उसके भी हाथ से उसने भोजन नहीं किया, उसके साथ बैठ करके भोजन नहीं किया। ये सीखना पड़ेगा हमें, यहीं से हमारी शुरुआत होती है, और यही हमें सीख करके तैयार होना है। आने वाले दिनों में हम जिन लोगों के साथ बैठ करके भोजन करेंगे, वो लोग भी हमारी तरह ही अच्छे होने चाहिए। हमारी तरह अच्छे होने का मतलब, आप भी वैसे ही हो तो वो भी वैसे ही है। आप भी लहसुन प्याज आलू खाते, वो भी खाते हैं, तो फिर आपके और वो सब बराबर ही हो गए। जब आप कुछ अलग हो गए तो आप कुछ इच्छा करोगे। समझ आ रहा है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग होता है। और जिस तरह से आप कलश की स्थापना करने के लिए अनेक अनेक तरह के त्याग करने का मन बनाते हो, ये त्याग भी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं अपने आचरण में सुधार लाना। आखिर उन कलशों में एनर्जी कहां से आएगी? हम तो उसमें मंत्र फूकेंगे, लेकिन वो मंत्र भी काम नहीं करेंगे अगर आपके आचरण उसमें अच्छे, उस समय के आचरण अच्छे नहीं होंगे। मानो बहुत एनर्जी से भरी हुई कोई चीज आपके घर में पहुंच भी गई, लेकिन आपके अगर आचरण अच्छे नहीं है तो वो एनर्जी भी काम नहीं करेगी। इसलिए ये ध्यान रखना, अच्छे आचार विचारों के साथ में किए हुए कार्य ही सफल होते हैं, और उन्हीं कार्यों से आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता रहेगी। इसलिए अपने आचरणों पर ध्यान देते हुए ध्यान देना है कि हमें पहले अच्छे कर्म करने में मन लगाना है, बुरे कर्म छोड़ना है, और सब कर्मों से रहित हो गए सिद्ध भगवान उनके हाथ जोड़ना है। धन्य भगवान, आपने अच्छे भी छोड़ दिए, बुरे भी छोड़ दिए, इतना बड़ा पुरुषार्थ आप में आ गया। इसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। इस मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति हमको भी हो, हमारा मन कभी भी दुर्बल न हो। सिद्धों की भक्ति, सिद्धों की आराधना, इसमें जो व्यक्ति अपना समय लगाता है, यह समय ही सार्थक समय होता है। दुनिया में अनेक तरह के लोग अनेक तरह के जीवों की भक्ति आदि किया करते हैं, किंतु जो शुद्ध आत्मा को जानता है, जो सिद्ध परमेष्ठियों को जानता है, और सिद्ध भगवंतों में अपना मन लगाता है, उसी के अंदर, उसी की आत्मा में शुद्धता का भाव जागृत होता है। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना होना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के उद्देश्य में लगते हैं, ये हमारा जब एक प्रयोजन बन जाता है, तब हमें सिद्ध भगवानों की आराधना करने में अच्छा लगता है। हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और हम अपने लिए कुछ भी नहीं उससे प्रयोजन रख रहे हैं, तो उस पूजा आराधना का प्रयोजन भी केवल हमारे लिए थोड़ा सा पुण्य बंद होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा ऋषियों मुनियों ने कहा है, अगर आप अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो अपने आप को सिद्ध भगवंतों से जोड़ो, और अगर आप अपने को सिद्ध भगवान से जोड़ोगे तो आपकी आत्मा में शुद्धि होगी, आपकी आत्मा भी सिद्ध बनेगी।
आत्मा को सिद्ध बनाने के लिए ही जब हम तत्पर होंगे तभी हमें सिद्ध भगवान के गुणों में आकर्षण होगा। हम भला अमूर्त आत्माओं के गुणों में क्या आकर्षण पैदा कर सकते हैं, और एक व्यक्ति का मन भला क्यों किन्हीं ऐसे अदृश्य अमूर्त आत्माओं में लग सकता है जिन्हें उसने कभी देखा ना हो। और कल जिस तरह से हमने सुना कि उन अमूर्त आत्माओं के अंदर और कुछ होता नहीं है, उन्हें कुछ करना होता नहीं है, वो सब निकम्मा होकर के बैठे रहते हैं, तो भला कौन अच्छा आदमी निकम्मा होना चाहेगा। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके मन के अंदर ये विचार आ जाए कि हम अपने अंदर जो सिद्धों के प्रति गलत धारणा रखते हैं उस धारणा को हम सुधारें। जब व्यक्ति निष्कर्म होता है जीवन का वास्तविक आनंद उसे तभी उपलब्ध होता है। कर्म करने से आनंद नहीं आता, आनंद आता है कर्म रहित होने से। जब आप काम 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 चिल्लाते रहते हैं तो आपके अंदर काम तो आता है लेकिन उससे सुख नहीं आता है। सुख जब भी आएगा तब आपके अंदर एक परिणाम आएगा, हाँ अब बहुत काम हो गया है, अब तो विश्राम करना है। जब आप विश्राम करने के मूड में होते हैं, आराम करने के मूड में होते हैं, उस समय पर आपका वह विश्राम ही आपका सुख होता है, काम सुख नहीं होता है। दिन भर जब आप काम करते हुए थक जाते हैं तब आपके लिए सुख चाहने के लिए नींद की जरूरत पड़ती है, और आप एक गहरी नींद में जब पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ अब हमने कोई सुख की चैन की नींद सो ली। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा अगर हमें दिन भर का कोई सुख मिलता है तो किसमें, अरे कम से कम चैन की नींद तो सोने दो। जब नींद में भी कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो उस समय पर व्यक्ति के लिए लगता है भाई दुनिया में हर टाइम पर तुम व्यवधान उत्पन्न करते रहते हो, हर टाइम पर कुछ ना कुछ सामने आता रहता है, एक सोने का टाइम तो हमें कम से कम निश्चिंतता से सोने दो। तो आदमी को जीवन में ये जरूरी क्षण है, चैन की नींद सोना, ये अपने आप में एक सुख है कि दुख है बताओ। अगर आपके लिए निद्रा आ रही हो और उस निद्रा के समय पर आपको कोई काटने लग जाए, कोई जगाने लग जाए, कोई आपके सामने ढोल ढमाका बजाने लग जाए, आपको कैसा लगेगा, सोने नहीं दे रहा है, दिन भर तो काम करते करते थक गए, दिन भर तो इधर उधर की बातें करते थक गए, अब थोड़ा सा चैन की नींद तो ले लेने दे। तो चैन की नींद कहां से आए, जब चैन हो तो चैन की नींद आए। अब वो चैन बाहर भी होना चाहिए और चैन भीतर भी होना चाहिए। बाहर अगर चैन नहीं है तो भी भीतर की नींद नहीं आती, और भीतर अगर चैन नहीं है तो भी नींद नहीं आती। तो चैन दोनों जरूरी है, बाहर का भी चैन चाहिए और भीतर का भी चाहिए। अगर बाहर से कोई भी परेशान करने लग जाता है, कुछ नहीं है, तो सतना एक बात के लिए तो प्रसिद्ध है ही है कि यहां पर मच्छर बहुत है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी रूम में घुस जाओ, आपको कोई मिले या ना मिले लेकिन मच्छर सब जगह मिलेंगे। अगर उन मच्छरों के बीच में रह करके आपको नींद भी आना चाहे तो आ नहीं सकती, क्या करना, अब उनसे क्या कहोगे। रात के अंधेरे में जब वो अपना आक्रमण प्रारंभ करते हैं तब उस समय पर आपके मन में आएगा कि देखो ये चैन की नींद भी नहीं लेने दे रहे, और तो कोई चैन दुनिया में हमें चाहिए नहीं, लेकिन ये भी अगर एक छोटा सा चैन मिलता है तो उसमें भी ये व्यवधान डालते हैं, क्या करोगे। मच्छरों के लिए आपके पास में कोई भी उपाय नहीं है। अगर वो आपके पास में बार बार आता है, बार बार आपको परेशान करता है, बार बार काटता है, बार बार तंग करता है, तो आपके लिए क्या उपाय है। एक उपाय है जो यहां सिद्ध भक्ति में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सिद्ध भक्ति में,
जो हम दूसरा काव्य पढ़ रहे थे उस दूसरे काव्य की तीसरी लाइन हमें आज पढ़ना है। ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुण युत इत नान्यथा साध्य सिद्धि। एक चीज है जो यहां बताई जा रही, ये चीज सिद्ध भगवंतों में है। क्या है? सिद्ध भगवान अपने अनेक अनेक गुणों को धारण करते हैं, लेकिन उनके गुणों में सबसे बड़ा जो गुण है वो यहां बताया जा रहा है कि वो भगवान ज्ञाता और दृष्टा होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का मतलब, ज्ञाता माने जानने वाला, दृष्टा माने देखने वाला। वह सिर्फ हर चीज को जानने वाले होते हैं और देखने वाले होते हैं। यूं नहीं समझना कि वहां सिद्धालय में या लोक के अग्रभाग में जहां पर वो विराजमान है वहां पर उनके लिए अंदर कुछ हो नहीं रहा है या वो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानने की क्रिया कर रहे हैं और देखने की क्रिया कर रहे हैं। वो कोई लकड़ी की या कोई ये लोहे के पाइप की तरह, बिल्कुल ठूंठ की तरह, बिल्कुल निश्चेष्ट होने के बावजूद भी निर्जीव नहीं हो गए। जीवत्व है उनके अंदर। निकम्मा बाहर से हो गए, बाहर के कोई काम नहीं करने। जो काम थकाते थे, नींद दिलाते थे, ऐसे कोई भी बाहर के काम नहीं करना, लेकिन उनका भीतर का कार्य चल रहा है। भीतर की क्रिया चलती रहती है। और वो क्रिया क्या है? जानना और देखना। सिर्फ यही वो क्रिया है जिसके माध्यम से वह दुनिया को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन दुनिया से जुड़ते नहीं। लोक का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं, विश्व का ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं, जो उनके ज्ञान में, जानने में ना आता हो, देखने में ना आता हो। लेकिन सब कुछ जानने और देखने के बावजूद भी वह क्या बने हुए हैं? वो ज्ञाता बने हुए हैं, वो दृष्टा बने हुए हैं। हमें जानना है तो जाना जा सकता है, और जानना आत्मा का परम धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। ये जानना कभी भी छूट नहीं सकता, चाहे हम संसार में रहें, चाहे हम सिद्ध बन जाएं। जानना और देखना तो हमारे अंदर चलता रहेगा। हम कहीं भी बैठे होंगे, कुछ ना कुछ जान रहे होंगे, कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, लेकिन उस जानने देखने के साथ में हम कुछ करने भी लग जाते हैं। जानने देखने के साथ में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ और आने लग जाता है कि हमें ऐसा नहीं जानना, ऐसे जानना, ऐसे नहीं इसको मानना, ऐसे मानना। ये जो हमारे अंदर आने लग जाता है, इसे वह नहीं किया करते हैं, और ये कार्य केवल संसारी जीवों में हुआ करता है। भगवान सिद्ध सभी पदार्थों को देख रहे हैं, सभी चीजों को देख रहे हैं। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो भी उनको दिखाई दे रही हैं, जितने भी शरीर आदि हैं वो भी उनको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पौद्गलिक पदार्थ हैं वो भी सब उनके जानने में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और वो सब दिखाई दे रहे हैं, भीतर से लेके बाहर तक सब दिखाई दे रहा है। आपने कभी कल्पना की भगवान क्या देख रहे हैं? हम जिसे छुपाते हैं वो सब भगवान को दिखाई दे रहा है। जिनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे दर्पण के सामने अपने आप सब कुछ प्रतिबिंबित होने लग जाता है, वैसे ही सारा वहां पर रिफ्लेक्ट होता रहता है। हम जो अभी यहां सोच रहे हैं, आगे सोचेंगे, वो उनके ज्ञान में पहले से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा भगवान का वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञातापन, दृष्टापन, ये बहुत बड़ी उनकी क्वालिटी है। कल आपने निकम्मा तो सुन लिया, और निकम्मा सुनकर के हो सकता है आपका मन बिगड़ गया, बोले हमें नहीं सिद्ध भगवान बनना। लेकिन आज सुनिए वो क्या करते हैं। वो ज्ञाता है, दृष्टा है, और जानना
ये किसी के द्वारा नहीं होता है, ये अपनी आत्मा का एक स्वभाव है। आत्मा और ज्ञान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, आत्मा और ज्ञान के बीच में कोई भेद की लाइन नहीं है, आत्मा और ज्ञान दोनों एक मेक है। आत्मा और ज्ञान दोनों के अंदर एक गुणवत्ता है कि ज्ञान आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। अब उस आत्मा को जानना भी है और देखना भी है। ज्ञान भी एक गुण है आत्मा के अंदर जिससे वो जानता है, और दर्शन भी एक गुण है जिससे वह देखता है। जब हम और आपकी बात आती है जानने और देखने की, तो सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आता है कि हम लोग कभी भी एक साथ जानना देखना नहीं कर सकते। हमारा जानना देखना एक क्रम से होगा, हम देखेंगे पहले जानेंगे बाद में, और जो सिद्ध भगवान होते हैं वो जानना देखना एक साथ करते हैं, साइमल्टेनियसली वो एक साथ दोनों क्रियाएं करते हैं, जानते भी हैं और देखते भी हैं। माने हमारा जो जानना देखना है वो तो एक ऑर्डर के साथ चलता है, पहले हम देखेंगे फिर जानेंगे, पहले क्या करेंगे देखना होता है फिर बाद में जानना होता है। हमें पता नहीं पड़ता कि हमने कब जान लिया कब देख लिया, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज को जानते हैं, चाहे वो ही हो या सी हो, समझ रहे हो ना, मेल हो फीमेल हो, चेतन पदार्थ हो अचेतन पदार्थ हो, जब भी आप किसी भी चीज को जानते हैं उससे पहले आप उसे देखते हैं, बिना देखे हुए आप किसी भी चीज को जान नहीं सकते। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। कृपा का पर नहीं पाया जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए है पवित्र नाता पाल गाम जयंतु सूरिणो मणम्मि सव सत्थ सार भूत तच धारगा मुड़ंती पाठ गाओ सम लसंतु धम्म देश गा
मालया किट्टिमाया किट्टिमा जयंतुते जिडेंद बिंब भासुरा महीतले जयंतुते कार्यक्रम के पुण्यांचक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।